एक जहां। रुके कभी मेरे कदम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी शाम की तैयारियां भी स्टार्ट हो गई हैं और मैं भी अभी मिठाई बना रही हूँ, नारियल वाली, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस पूरे व्लॉग में। तो नारियल की मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं 3 नारियल बड़े बड़े। और अब हम इसका बाहर का जो कवर है ब्लैक कलर वाला, उसको हम अलग कर रहे हैं। छीलने जा रहे हो? तो फाइनली बड़ी मेहनत के बाद यहाँ पे हमारे नारियल छिल चुके हैं और मैंने यहाँ पे कद्दूकस करना स्टार्ट कर दिया था साथ में। तो जो कद्दूकस नहीं हो पाया वो मैंने इसको यहाँ पर ग्राइंडर में डालकर मैं इसको थोड़ा सा चलाने वाली हूँ। तो नारियल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बच गया था जो हमने 2 पार्ट में ग्राइंड किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ग्राइंड करते करते यहाँ पे ग्राइंडर में से भी आपका धुआं निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये रहा ग्राइंड करने के बाद का लुक हमारा। तो चलो अब आगे दिखाते हैं आपको आगे की प्रोसेस कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो ये नारियल का बाहर का छिलका जो हम फेंकने वाले हैं, और ये रहा नारियल जो हमने कद्दूकस और ग्राइंड किया है। तो अभी चलिए रखते हैं कढ़ाई गैस पर, और हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। इसमें हम डालेंगे दूध, यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है और चीनी 1 बोल लिया है। तो यहाँ पे हम दूध डाल रहे हैं, तो इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये आधा, मतलब इसका पूरा आधा ना हो जाए। और साथ में इसको हम ऐसे चलाते भी रहेंगे बीच बीच में। तो अभी दूध को पकते पकते 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसमें चीनी भी मिक्स कर दी है साथ में। ये जा रहा है इसमें घी डाल दिया। यहाँ पर मैंने नारियल मिक्स कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो आपको इसको थोड़ा सा और पकाना ताकि सूखा सूखा और टाइट टाइट सा एकदम बर्फ़ी की तरह बने। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें इलायची के 4 दाने पीस के डाले हैं, तो आप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर थाली में लग रहा है घी, इसमें हम इसको डालेंगे ताकि नीचे से चिपके ना। और साथ ही हमने इसमें 4 ही इलायची इसलिए डाली क्योंकि फिर इसमें जो गोले का स्वाद है, जो नारियल का स्वाद है, वो नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने सिर्फ 4 ही इलायची इसमें पीस के डाली। तो यहाँ पे हमने गरम गरम मिक्सचर थाली में डाल चुकी हूँ और फिर इसको हम प्लेन कर दिया है इस तरीके से। इसको मैंने पूरी थाली में इसलिए नहीं फैलाया क्योंकि ये काफ़ी पतली बर्फ़ी हो जाती है और फिर हमें काटने और निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी। तो इससे यहाँ पे मैंने सिर्फ 1/2 ही थाली में इसको फैलाया है। तो यहाँ पे गार्निशिंग के लिए हमने ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। बाकी हम इसको फ्रीजर में रख देते हैं ताकि एकदम कड़क हो जाए और इसको हम आसानी से काट लें। उसके बाद आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है, फिर उसके बाद आप इसको नॉर्मल फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। छोड़ो, मेरी रस्सी बोल रहा है, जैसे बच्चे अमीन उसको पकड़ के ले जाओ तो इधर को मिल जाओ। कोई छे इसकी तो सींग भी नहीं है, फिर भी कह रही है मारूंगी। क्या लिखा है? पागल है ना यहाँ पे। तेनु कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? वैसे आज बारिश होनी चाहिए थी ना, कान्हा जी का जन्म था, कान्हा जी के जन्म के दिन बहुत बारिश हुई थी। वो तो उतने पानी में गए थे वासुदेव जी। वही, वैसे आज या कल में हो सकती है, चांसेस है। तो ये रहा हमारी मिठाई का फाइनल लुक जो अभी काट के हमने रख दिया है, इस प्लेट पर हमने भोग के लिए रखा है। और ये रहा माखन जो अभी अभी बनाया गया है एकदम फ्रेश। तो यहाँ पे पूरी भी बननी स्टार्ट हो चुकी है, तो पूरी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है शाम के लिए। तो अभी 12 नहीं बजे हैं और हम वेट कर रहे हैं, तो तब तक हम मेहंदी लगाते हैं अपने हाथों में। ये देखिए
रात के 11:05 हो रहे हैं। तो ये रही मेरी मेहंदी जो मुझे चाची ने लगाई, और ये रहे हम सबके मेहंदी वाले हाथ। तो आज के व्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय एवरीवन, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। श्री कृष्ण।